अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कतर में अपने आप को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। स्टेप टू में हम देखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन या एवेल्युएशन PSV प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन के थ्रू कैसे करवा सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि हम कैसे इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और कैसे अपनी एप्लीकेशन वो फिल करते हैं सारी की सारी। फिर उसकी पेमेंट कैसे करते हैं और कितना ड्यूरेशन चाहिए होता है इसकी वेरिफिकेशन में। फिर आफ्टर वेरिफिकेशन हमने क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसका सिलेबस क्या है, क्या कंटेंट होता है, कितने परसेंटेज मार्क्स वाला पास होता है, उसका रिजल्ट कब आता है, उससे रिलेटेड वीडियो देखेंगे कि अपना एग्जाम कैसे शेड्यूल करना है और शेड्यूल करने के बाद उसका सेंटर कैसे चूज करना है और सेंटर चूज करने के बाद आपने कैसे अपने आप को क्वालिफाइंग एग्जाम में पास करवा के रजिस्टर करना है। नेक्स्ट, लाइसेंसिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस कुछ देखेंगे लोगों के जो बहुत सारे मेरे तक पहुंचते हैं ऐसी वीडियोस बनाने से पहले। एग्जाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सा सिलेबस है, सिलेबस के लिए कौन कौन सी बुक्स को यूज करना है, बुक्स के नाम बकायदा उनके वर्जियंस तक मैं आपको बताऊंगा, स्टडी कैसे करना है इस सारे चीजों को और इसमें हम पास कैसे हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हेल्थ केयर कम्युनिटी के साथ, फार्मासिस्ट कम्युनिटी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। आगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला पहला स्टेप है हमारे पास एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें तो आपका पासपोर्ट एक वैलिड होना चाहिए, आपकी CV आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ लिखा हो। CV के बहुत सारे फॉर्मेट्स कतर हेल्थ केयर के ऊपर पड़े भी हुए हैं, आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं CV बनाने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो रिसेंटली आपने ली हो और वो वाइट बैकग्राउंड के साथ जरूरत होती है। आपकी फॉर्म डी की डिग्री या आपकी 4 साला बी फार्मेसी की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट वो चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी ए जो आपके पास लाइसेंस है फार्मासिस्ट का आपकी होम कंट्री के अंदर उसकी कॉपी चाहिए और अगर उसके कुछ रिन्यूअल्स हैं तो वो रिन्यूअल्स भी अपडेटेड चाहिए सारे के सारे। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए जो कि 3 मंथ से ज्यादा पुराना ना हो और इसको ये डायरेक्टली कतर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को डायरेक्टली भेजा जाता है फार्मेसी काउंसिल की तरफ से। इसके अलावा कतर में अप्लाई करने से पहले आपके पास 2 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मोस्टली पोस्ट डिग्री एक्सपीरियंस जो कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो। तो ये सारे के सारे स्टेप्स आपके अगर कंप्लीट हैं तभी आप अगले स्टेप की तरफ जा सकते हैं, जिसमें जो पहला स्टेप है आपका वो डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन का है और यही डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपने डेटा फ्लो के पोर्टल पे डालना है। डेटा फ्लो एक ऐसा प्रोसीजर है जो ऑनलाइन प्रोसीजर है जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, अपनी एक पूरी प्रोफाइल बनाते हैं और प्रोफाइल अपलोड करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप उसकी फीस जमा करवाते हैं और फीस जमा करवाने के बाद जब सब कुछ क्लियर हो जाता है, आपकी कोई एरर नहीं आता, कोई आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती इस सब में और आपका सब कुछ सारा प्रोसीजर स्मूथ चलता है तो आपको एक आईडी दे दिया जाता है। उस आईडी के तहत ही आप क्वालिफाइंग एग्जाम जो है कतर का या जो कह लें प्रोमेट्रिक एग्जाम जो है कतर का उसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं और फिर आप उसमें अप्लाई करते हैं। उन प्रोसीजर्स को देखते हैं तो प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स की है, इसमें आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को चेक किया जाता है, आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपकी किस शोबे में ज्यादा ट्रेनिंग है उसको चेक किया जाता है, खासतौर पर आपके एक्सपीरियंस ठीक है उसको देखते हैं। इससे रिलेटेड जो लिंक है वो यहाँ पे दिए गए हैं और इन सारी वेरिफिकेशन की जितनी भी सर्विसेज हैं उसकी पूरी डिटेल कतर काउंसिल फॉर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की साइट पे दी गई है। ये दोनों लिंक्स हैं, ये लिंक्स वीडियो के एंड में भी दिए गए हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको सबके सब जवाब दूंगा। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई है, वो वीडियो भी आगे आपको दिखाएंगे कि आपने कहाँ जाना है, कैसे क्लिक करना है। उससे पहले 2 इंटरफेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डाटा फ्लो का इंटरफेस है, ये अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो आपका ये इंटरफेस डाटा फ्लो का स्टार्ट हो जाता है। आपने इसको फिल करना है, साइन अप करना है, प्रोफाइल बनानी है और प्रोफाइल बनाने के बाद डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त ये ख्याल रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स हैं वो क्लियर हों और डॉक्यूमेंट्स की दोनों साइडों को आपने स्कैन करना है, आगे से भी और पीछे से भी, और जब दोनों साइडों के स्कैन हो जाए तो उनका एक इकट्ठा कलेक्टिव PDF बना लेना है ठीक है। और फिर अगर आपको अप्लाई करने का तरीका नहीं पता तो ये यहाँ पे नीचे रिसोर्सेज के अंदर इसी साइट के ऊपर हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर भी लिखा गया है। ये एक PDF डाउनलोड हो जाएगी और उस PDF के अंदर सारी की सारी डिटेल दी हुई है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। इसकी वीडियो भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ और उसके बाद फिर बाकी प्रोसीजर और बाकी स्टेप्स को पढ़ते हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब स्टेप 3 है हमारे पास, पेइंग द फीस एंड वेटिंग पीरियड। जब आप डेटा फ्लो के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की फीस को जमा करवा देते हैं तो आपकी वेरिफिकेशन, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। इसमें कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं और इसके बाद आप साथ साथ आप अपने आईडी के थ्रू ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, साथ साथ इसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो आप क्वालिफाइंग एग्जाम यानी कि जिसको प्रोमेट्रिक एग्जाम भी कह देते हैं या कतर का जो एग्जाम है हमारे पास, उसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वेरिफिकेशन हो जाती है, आपको आईडी मिल जाता है, आप क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए या अपनी होम कंट्री के अंदर रहते हुए आप ये एग्जाम दे सकते हैं। पाकिस्तान में लाहौर और इस्लामाबाद में होता है। आप अगर कतर में हैं तो कतर में रहते हुए भी चूज कर सकते हैं। आप अगर दुबई में हैं तो दुबई में रहते हुए भी अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, या किसी भी और कंट्री में आप चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि उस कंट्री में एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा। उसको चेक करने के लिए, उसके फॉर्मेट के लिए ये नीचे 2 प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिंक्स दिए गए हैं। एग्जाम शेड्यूल कैसे करना है और उसके डेट और टाइम को कैसे सिलेक्ट करना है, इसकी भी एक वीडियो मैंने आगे दिखाई है आपको, उस वीडियो को फॉलो करेंगे। टोटल एग्जाम जो है वो 3.5 घंटे का होता है, 150 एमसीक्यूज होते हैं और 60 नंबर वाला पास होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, 3.5 घंटे का एग्जाम है, 150 एमसीक्यूज होते हैं और पासिंग स्कोर जो है वो 60 मार्क्स हैं। ये नीचे 2 साइट्स मैंने ब्लू कलर में लिखी हैं एग्जाम स्केड्यूल करने की, और उसके साथ उसका डेट और टाइम और एग्जाम के साथ आप पूरी डिटेल उसकी पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ये दोनों लिंक इसके साथ हैं और ये वीडियो के एंड पे भी दिए गए हैं। ये क्वालिफाइंग एग्जाम के अंदर आप जब ये लिंक जो मैंने आपको पीछे दिखाया है, आप उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम की डिटेल दी गई है। इसमें 3रे नंबर पे फार्मासिस्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 150 एमसीक्यूज और 3.5 घंटे का ये पेपर है, 60% वाला पास है। ठीक है, और इसकी पूरी गाइडलाइन ये साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो आपको लिंक आ रहा है, इसमें इसकी पॉलिसीज प्रोसीजर भी लिखे गए हैं, गाइडलाइन एंड यूजफुल लिंक भी दिए गए हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, सीवी कैसे बनानी है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। क्वालिफाइंग एग्जाम कैसा है, इसका सिलेबस कैसा है, उसके ऊपर करते हैं। तो इसी पेज के ये नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट पे आपके ये ऑनलाइन बुकिंग पेज और रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। तो आपने ये ऑनलाइन बुकिंग पेज वाले पे क्लिक करना है, जो 3रे नंबर पे आपको नजर आ रहा है ऑनलाइन बुकिंग पेज। इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो आप क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए या उस प्रोफाइल की तरफ आपको ये लिंक ले जाता है, और वहां पे आप सारा अपने आप को, अपने सेंटर को सब कुछ चूज करते हैं, जैसा कि आगे वीडियो में दिखाया हुआ है। ट्यूटोरियल वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वो आगे मैंने दिखाई है इसके साथ ही। तो उस वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल बताई हुई है, अपना एग्जाम कैसे स्केड्यूल करने हैं। तो पेमेंट से पहले तक का मैंने सारा प्रोसीजर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वहां पे डाल दिया। ये आपके डिपार्टमेंट के यानी के जो प्रोमेट्रिक एग्जाम है ये उसकी साइट है, इसके ऊपर आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे सेंटर्स हैं उसको लोकेट कर सकते हैं, स्केड्यूल कैसे कर सकते हैं, कंफर्म कैसे कर सकते हैं, अगर आपने कोई रीस्केड्यूल कराना है तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ इस साइट पे दिया गया है और आगे वीडियो।
अब चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस जो है फार्मासिस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम का, हमारे पास बेसिक बायोमेडिकल साइंसेज है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज हैं, सोशल बिहेवियर और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है, क्लिनिकल साइंसेज है। तो इससे आपका टोटल जो है सिलेबस है, इससे आपका पूरा पेपर बनता है। ज्यादा जो पोर्शन है वो फार्मास्यूटिकल साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज का है, और जो उससे कम पोर्शन है वो सोशल बिहेवियर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का है, और सबसे कम बेसिक बायोमेडिकल साइंसेज का है। इस सारे पोर्शन में से आपने 60% ओवरऑल मार्क्स लेने होते हैं 150 में से, और 60% वाला ही पास है। इससे रिलेटेड ये बुक्स भी दी गई हैं, ये पूरी पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप, जिसमें फार्मेसी रिव्यू की बुक है हमारे पास, ठीक है, और फंडामेंटल इम्यूनोलॉजी की बुक है हमारे पास, लिपन कोड से रिलेटेड सारे वर्जन हैं हमारे पास, गुडमैन गिलमैन की बुक है, ये कुछ फेमस फेमस भी बुक्स हैं। इसके अलावा ड्रग एक्ट क्या है और ड्रग एक्ट के साथ एमओएच की लिस्ट क्या है, रिक्वायर्ड मेडिकेशन की उसकी लिस्टें सारी। तो ये कुछ सिलेबस है, इन बुक्स को आपने जरा अच्छी तरह देखना है, और इसकी पीडीएफ आप जो मैंने अभी आपको पीछे लिंक दिखाया है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का, वहां से डाउनलोड करके इसकी क्लियर कॉपी हासिल कर सकते हैं। अब पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जाम, तो क्वालिफाइंग एग्जाम को पास करने के लिए आपने ज्यादा अच्छी तैयारी करनी है ताकि 60% एटलीस्ट स्कोर आ जाए, और क्रूशल स्टेप है, यही मेन स्टेप है लाइसेंस हासिल करने के लिए कतर में। नेक्स्ट है स्टेप 6, अगर आपका एग्जाम पास हो जाता है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना होता है, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग से आपका लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने लाइसेंसिंग तभी आप जिस भी जिसके पास भी आप काम करेंगे, जहां भी फार्मेसी पे या क्लिनिक पे या हॉस्पिटल पे, जहां पे भी आपकी जॉब होगी एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन कतर, तो वो उस अदारे का या उस एम्प्लॉय का काम है कि आपकी रजिस्ट्रेशन को वो खुद कराए, आपकी रजिस्ट्रेशन जो हो चुकी है उसकी लाइसेंसिंग वो खुद कराएगा। तो ये आपका हेडिक नहीं है, लाइसेंसिंग के लिए आपका एम्प्लॉयर ही आपसे राबता करेगा। आप कतर में कैसे काम कर सकते हैं, या तो आपको कोई वहां पे रिलेशन हो, आपका सीनियर, आपका कोई कोलीग वहां से, आपका जानने वाला पहले से किसी फार्मेसी में काम कर रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कतर में कोई जॉब है, तो वहां पे जाके आप उसके अंडर सुपरविजन कुछ वहां ट्रेनिंग लेके लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप या तो इन अपने पर्सनल रिसोर्सेज से वहां पे जा सकते हैं जॉब के लिए, या आप इंडीड की साइट पे या कतर की जो वेबसाइट है जॉब सीकिंग की, वहां पे जाके आप जॉब को सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्मेसीज कौन कौन सी हैं कतर में, उसको गूगल पे सर्च करके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं या सीवी ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आपका ये एग्जाम पास हो चुका है तो। नहीं तो आप विजिट वीजा 1 माह का लेके चले जाएं वहां पे, और वहां पे 1 माह के अंदर अपनी जॉब को सर्च करें, और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपने ऑलरेडी एग्जाम पास कर लिया, आपकी रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो लाइसेंसिंग के लिए वो एम्प्लॉयर जो है आपको स्पॉन्सर भी करेगा, जॉब भी देगा, और लाइसेंसिंग के लिए सारे स्टेप्स भी वो खुद ही करेगा। तो ये बेहतरीन तरीका है कतर में जाके जॉब ढूंढने का। नेक्स्ट है हमारे पास कि कतर में सैलरी कितनी है। तो कतर में जो मिनिमम सैलरी है इंट्री लेवल फार्मासिस्ट की, वो तकरीबन 7,000 कतरी रियाल से लेके 12,000 तक है, डिपेंड करता है और एम्प्लायर के ऊपर। एनुअल सैलरी आप देख लें कितनी बन रही है। मिड लेवल फार्मासिस्ट जिसका कतर में रहते हुए एक्सपीरियंस हो गया, वो तकरीबन 10,000 कतरी रियाल मिनिमम ले रहा है, और अगर आप 5 साल से ज्यादा वहां पे अरसा गुजार चुके हैं तो तकरीबन 15,000 तक कतरी रियाल तक वहां पे सैलरी है। ये 2022 के मुताबिक सारी की सारी सैलरी है, 2023 में भी यही सैलरी चल रही है, एवरेज सैलरीज हैं ये सारी की सारी। आप मुख्तलिफ फार्मेसीज की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि वो कितना पैकेज आपको दे रहे हैं, या मुख्तलिफ एम्प्लायर या किसी जानने वाले से पूछ सकते हैं कि इन एक्चुअल वहां पे कितना पैकेज मिल रहा है जाने से पहले। ये इंपॉर्टेंट वेब लिंक्स हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिए गए हैं, जितने भी मैंने आपको साइट्स इंटरफेसेस और वीडियोस दिखाए हैं वो इन्हीं से सारा का सारा डाटा ऑफिशियल लिंक से दिया गया है। फिर भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऑफिशियल लिंक से ही सारा डाटा पढ़ें, इंफॉर्मेशन हासिल करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो में।